धीरज भाई को नया चैनल ओपन करना चाहिए या नहीं? Vamos a la playa. हाँ जी भाई साहब, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त मजे में? बढ़िया है ना भाई। तो फिर ये वीडियो आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर सकता इस वीडियो के माध्यम से मैं आगे। तो फिर प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा और आपका जो हॉनेस्ट फीडबैक है मुझे कमेंट में दे दीजिएगा कि धीरज भाई को एग्जैक्ट कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। आपको तो टाइटल से पता चल ही गया होगा कि धीरज भाई को नया यूट्यूब चैनल ओपन करना है। ये नया यूट्यूब चैनल किस लिए ओपन करना है तो ये मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज, मुझे ये जो करंट वाला चैनल है इससे एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता मैं, पर लाइक 5K सब्सक्राइबर है इस चैनल के और मुझे व्यूज मैक्स 300 मैक्स 200 इस तरह के व्यूज आ रहे हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो भी एंगेजमेंट रेट है मेरे इस चैनल पर वो बिल्कुल भी कम है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था आपसे भी कनेक्ट करने का। तो सेकंड रीज़न ये है कि मेरे चैनल पर कुछ इररिलेवेंट, जो भी मेरा कॉन्टेक्स्ट है चैनल का, उसके अलावा की वीडियोस वायरल हुई थी। जैसे कि आपने, आपको पता ही होगा, जो भी मुझे बहुत दिनों से फॉलो करते हैं, बैल पोड़ा, बाउदन बैल पोड़ा, इसके अंदर पूरे वीडियो के अंदर में एक बार भी नहीं था, वो इररिलेवेंट वीडियो वायरल हो गई। तो फिर उसके कारण क्या होता है कि आपका जो YouTube का एल्गोरिथम है वो इस तरह का वर्क करता है। सपोज मैंने बैल पोला और उसके रिलेटेड वीडियोज डाल रही, जैसे कि बैलों की वीडियो डाल रहा, शेती की वीडियो डाल रहा, तो वो उन्हीं वीडियो को पुश करता है, ना कि लाइफस्टाइल व्लॉग्स को। द थर्ड थिंग इज कि मुझे लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल तरीके से YouTube पर आऊँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो लाइफस्टाइल ब्लॉग के आधारित पर ये पूरा चैनल मैंने बनाया है, जिसके अंदर मेरे जिंदगी में जो भी चीज़ें हो रही है वो मैं सीधा सीधा डाल देता विदाउट एनी एडिट, और जो भी रियल वाली चीज़ें मैं पूरी की पूरी बता देता आपको। कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, पर ये प्रोफेशनल चीज़ नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है ये चैनल छोड़ के नया चैनल ओपन करने का। ओके, अभी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जब नया चैनल ओपन कर रहा तो फिर नए चैनल पर कॉन्टेंट का क्या आएगा? जैसा कि आपको सभी को पता है कि धीरज भाई गए थे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर जाने का प्लान था पर हिमाचल प्रदेश गए थे, और हिमाचल प्रदेश से मैंने अच्छी एक ट्रैवल सीरीज में लाना चाहता हूँ। तो फिर जो भी ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट होगा वो उस वाले चैनल पर आएगा, और जो भी फिल्म मेकिंग रिलेटेड जो भी टिप्स होंगी, जो भी ट्रिक्स होंगी जो मुझे शेयर करनी है आपसे। बहुत सारे भाई मुझे पूछते हैं कि यार YouTube पर कैसे गए, किस तरह से ग्रो करे वगैरह, ये सारी टिप्स मैं उस चैनल पर अपलोड किया करूँगा। और आपको पता ही है कि धीरज भाई वेडिंग का भी काम करते हैं, तो फिर अगर जमेगा तो वेडिंग फिल्म किस तरह से मैंने शूट की और वो एक्चुअल वेडिंग फिल्म भी मैं उस चैनल पर अपलोड कर सकता हूँ। तो इसी तरह की कुछ मेरी थिंकिंग चल रही थी इतने दिनों से, इसलिए मैंने हिमाचल ब्लॉग की सीरीज भी अभी पेंडिंग डाली है। तो मुझे आपकी राय चाहिए, हालांकि इस वाले चैनल पर जो जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वाले चैनल पर लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कंटिन्यू होंगी, क्योंकि पर इससे आप कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हो। जो भी रेगुलर ब्लॉग्स आपने अभी तक देखे वो इस चैनल पर आएंगे इन फ्यूचर, तो ये चैनल भी चलेगा, वो वाला भी चैनल चलेगा। तो फिर एक बार अच्छा वाला फीडबैक दीजिएगा कि धीरज भाई को नया चैनल ओपन करना चाहिए या नहीं, या मैं सारी चीज़ें वो दूसरे चैनल के लिए प्लान आउट किए वो इसी पर डाल दूं। कंफ्यूज हो भाई, बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखा आपने, आगा कमेंट आगा ये तो मैं।